मैंने थोड़ा बोल दी माइक से थोड़ा सा बोलना है, इतना बोल दिया क्या दिक्कत हुई थी? हेडेक हो रही सर में। क्या दिक्कत की हुई थी ये बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए मैं प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता दीजिए, आपको वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो पहले आप? हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए? हेलो सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजू और आज मेरा पाकिस्तान में लास्ट डे है और आज तक जो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ बहुत अच्छा मेरा सफर रहा है यहाँ पे और एक एक दिन बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे और आज मैं जा रही हूँ और आज मेरा यहाँ पे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, अभी तक माशाल्लाह से आपने दो तीन माह गुजारे, पाकिस्तान के लोगों के बारे में आपका क्या राय है और आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की आवाम को, कितना आपको सपोर्ट मिला है यहाँ पे? यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हमारे घर के हैं या कैसे हैं, पर ऐसा फील जहाँ भी हम गए बाहर गए कहीं पे भी गए तो बहुत अच्छा मेहमान नवाजी किया जैसे हम उनके फैमिली मेम्बर हो इस तरीके से, और यहाँ के लोग भी सारे बाहर भी गए तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा इस सारी। अच्छा, पाकिस्तान की जितनी भी सोर्स है, पुलिस है, आर्मी है, जितनी बड़ी सोर्स है, तो उसकी तरफ से तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई अभी तक? हाँ, मैं उनके बारे में भी जरूर बताऊंगी और मैं तारीफ भी करती थी, बोलती थी क्योंकि मेरे साथ कुछ कमांडो को सिक्योरिटी दी थी तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे वो, उनकी जो मतलब जो मैंने देखा, मतलब पुलिस स्टेशन भी गई वहाँ पे भी इतने अच्छे से ट्रीट किया, वो सर थे जो भी हेड सर थे उनसे मिले थे तो वो लोग भी बहुत अच्छे से, मतलब इतना तरीके से बातचीत करना बहुत सारा बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने एक रिस्पेक्ट दी मुझे कि मैं अदर कंट्री से आई हूँ, बहुत अच्छा प्यार दिया उन्होंने हमें। बस हमारी भी दुआ है कि आप हमेशा जो पाकिस्तान इंडिया इसके लिए काम करें और इसकी अमन के लिए और एक दूसरे के लिए अच्छे भाईचारे के लिए काम करें, हमारी दुआ आपके साथ है, आप जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और ये जब से मैं आई हूँ फर्स्ट डे से यहाँ पे और जब से और ये पार्क सिटी जो ग्रुप है इन्होंने हमें काफी हेल्प की है, मदद की है और हमें किसी चीज का कोई भी कमी या कोई भी महसूस नहीं होने दिया, हर तरह से हमारी बहुत सपोर्ट की है इस ग्रुप ने और सर ने और हम बहुत ज्यादा हमें कुछ फील नहीं होने दिया, काफी अच्छा हमें इज्जत और सम्मान दिया है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। और बस हमारा आखिरी में आपको एक पैगाम है कि आप इंडिया जाए, दुनिया की किसी भी कंट्री में जाए, हमें मत भूलिए, हमारा इंशाल्लाह हमेशा साथ आपके साथ रहा होगा और हमेशा से हम आपके अच्छे के लिए दुआगु हैं। जज़ाकअल्लाह। और ये जब से मैं आई हूँ फर्स्ट डे से यहाँ पे और जब से और ये पार्क सिटी जो ग्रुप है इन्होंने हमें काफी हेल्प की है, मदद की है और हमें किसी चीज का कोई भी कमी या कोई भी महसूस नहीं होने दिया, हर तरह से हमारी बहुत सपोर्ट की है इस ग्रुप ने और सर ने और हम बहुत ज्यादा हमें कुछ फील नहीं होने दिया, काफी अच्छा हमें इज्जत और सम्मान दिया है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। और बस हमारा आखिरी में आपको एक पैगाम है कि आप इंडिया जाए, दुनिया की किसी भी कंट्री में जाए, हमें मत भूलिए, हमारा इंशाल्लाह हमेशा साथ आपके साथ रहा होगा और हमेशा से हम आपके अच्छे के लिए दुआगु हैं।